नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे टेक्निकल रास्ता। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लाइफ लॉन्ग कंपनी का और एक शॉर्ट हैंडल फुल बॉडी मसाजर। ये जो मसाजर है ये मैंने मंगवाया है amazon.in से और इसका प्राइस है आपका 899 रुपीज। तो एक्चुअली इसका प्राइस है आपका 1300 समथिंग। तो अभी आपका अमेजन में ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है जिसकी वजह से मुझे ये जो मसाजर है वो मुझे मिला है 899 रुपीज में। तो अब भी ये मंगवा सकता है, ये काफी खूबसूरत है, स्टाइलिश है और छोटा सा हैंडी सा है और यूज करने में भी आपको काफी हैंडी फील महसूस होगा। तो इससे पहले मैंने जो लाइफ लॉन्ग कंपनी का दूसरा मॉडल मैंने रिव्यू किया था उस मॉडल का नाम है आपका LLM 423 और इस मॉडल का नाम है आपका LLM 171। तो ये जो मसाजर है ये भी काफी अच्छा मसाजर है, दो वेरिएंट है, आप चाहे तो LLM 423 वाला मंगवा सकते हैं और चाहे तो आप LLM 171 वाला भी मंगवा सकते हैं। तो इसका हैंडल पहले वाला जो मॉडल है उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो बॉक्स देखने में ऐसा है, इस तरफ लिखा हुआ इलेक्ट्रिक हैंडल फुल बॉडी मसाजर, नीचे लिखा हुआ है लाइफ लॉन्ग और इस तरफ आपका स्पेसिफिकेशन दिया गया है। इसका प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है 3200 रुपीज और यहाँ पे कंट्री ऑफ ऑरिजिन लिखा हुआ है चाइना। तो इस तरह भी सेम फोटोग्राफ है। तो चलिए इसको ओपन करके दिखाता हूँ। यह है बॉक्स, अंदर में कुछ नहीं है, ये बॉडी मसाजर और इसके साथ मुझे मिल रहा है एक लाइफ लॉन्ग कंपनी का प्रोडक्ट रिव्यू। व्हाट्सएप नंबर भी है और आपका वेबसाइट एड्रेस भी है और साथ में क्वेरी के लिए भी एक नंबर दिया गया है और 6 मंथ एक्सटेंड वारंटी भी मिल रहा है। इसका साथ जो वारंटी है उस वारंटी तो मिलेंगे ही मिलेंगे और साथ में आप उस वारंटी को 6 मंथ वारंटी एक्सटेंड कर सकते हैं इस कार्ड के थ्रू से। और नीचे में आपका और एक कैटलॉग है, ये आपका लाइफ लॉन्ग कंपनी का जो बुकलेट है यूजर मैनुअल गाइड यही है आपका। इसमें लिखा हुआ इलेक्ट्रिक हैंडल फुल बॉडी मसाजर यूजर मैनुअल, मॉडल नंबर लिखा हुआ LLM 171, ये आपका हो गया 171। पहले जो दिखाया था उसका मॉडल था आपका LLM 423। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं दिखा है तो आई लिंक में क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका LLM 171। इसका साथ अटैचमेंट आपको 4 मिल जाएंगे, ये हो गया पहला अटैचमेंट, ये हो गया दूसरा अटैचमेंट, ये हो गया तीसरा अटैचमेंट, ये आपका हार्ड स्किन घिसने के लिए और चौथा वाला इसमें लगा हुआ है, ये हो गया मेन यूनिट। देखिए देखने में काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे मैश लगा हुआ है, ये मैश और यहाँ पे आपका चौथा यूनिट यहाँ पे लगा हुआ है। तो अटैचमेंट आपको 4 मिल जाएंगे, ये आपका बॉडी हेड है और ये आपका मैश है। आप जब भी बालों में यूज करेंगे तो इसको यूज, अब जब भी हेड में यूज करेंगे तब आप मैश को लगा लीजिएगा, नहीं तो हेड में आपका जो हेयर है उसका साथ ये जकड़ जाएगा। तो इसका वेट इतना भारी नहीं है तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हैंडी है। इसका जो केबल है इसका लेंथ भी काफ़ी अच्छा है केबल का। यहाँ पे आपका अटैचमेंट है तो मैं एक अटैचमेंट लगा के मैं मसाज करा के दिखाता हूँ। ये आपका अटैचमेंट, इसमें जस्ट प्रेस करना है, उसके बाद इसको पावर में लगाना है। ये देखिए एक अटैचमेंट मैंने लगा दिया, अभी इसको पावर में लगाना है। ये आपका स्विच है, वॉल्यूम जैसा दिया गया है, ऐसा करके आप स्पीड बढ़ा सकते हैं यहाँ तक। काफी अच्छा लग रहा है, बॉडी में आपका कहीं पे भी दर्द हो आप इसको यूज कर सकते हैं। और हैंडल का जो स्पेस है ये देखिए काफी बड़ा है, इसमें ये पूरा आ जाता है और पीछे का जो यहाँ पे केबल का जो ये रबर दिया गया है इसके वजह से आपका केबल जो है यहाँ से आपका ब्रेक नहीं होगा। अगर ये केबल ख़राब भी हो जाता है तो इसको आप रिकनेक्ट करने के लिए आप यहाँ से खोल सकते हैं। यहाँ पे स्क्रू को खोलिए और इसको यहाँ पे क्लिप है, प्लास्टिक का क्लिप है, उसको निकालिए, ये खुल जाएगा। उससे पहले आप इस वॉल्यूम नॉब को निकाल दीजिए, इसको ऊपर की तरफ खींचने से निकल जाएगा, ऐसे करके इसको ऊपर की तरफ ऐसे कोई स्क्रू से इसको निकालिए, निकल जाएगा। उसके बाद ये जो केबल है, अगर ज़्यादातर क्या होता है यहीं पे आपका डिस्कनेक्ट होता है, हम लोग ऐसे करके रख देता है, इसको ऐसे करके रखता है तो केबल यहाँ पे खिंचाव पड़ता है तो यहीं पे डिस्कनेक्ट होता है कई बार। तो केबल आप चेंज करवा सकते हैं और किसी भी इलेक्ट्रिकल दुकान में जाके भी आप चेंज करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है इलेक्ट्रिकल का जो सामान है खोलने के लिए तो आप भी घर में इसको ईजिली खोल सकते हैं। यहाँ पे आप ये रबर है इसको निकालिए, ये भी स्क्रू है, स्क्रू को खोलिए, उसके बाद खोलने के बाद इसको निकाल दीजिए सेकेंड, उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रू डाल के इसको ऐसे करके निकाल दीजिए, ये निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे भी केबल है इसको बिल्कुल अंदर में खींचिए और यहाँ पे काट के यहाँ पे सोल्डर कर दीजिए, बस हो जाएगा। तो ये देखिए इस
पित्त और थरमाता हूँ, गर्म हो जाता है पूरा एकदम जब ये। तो मैं दूसरा वाला लगाऊंगा, ये भी एक अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, ये मुझे काफ़ी पसंद है। और ये वाला हो गया प्लेन, ये वाला हुआ हार्ड स्किन को रिमूव करने के लिए। आप एरिया में घिस सकते हैं ऐसे करके लगा के, कहीं पे हार्ड स्किन होगा तो आप इसको घिस सकते हैं ऐसे करके। ये देखिए नाखून का सेफ। तो हमेशा याद रखिएगा, ये कहीं पे भी बॉडी में मत लगाइए, जहाँ पे भी हार्ड स्किन है वहाँ पे घिस सकता है। अदरवाइज आप ऐसे भी घिस सकते हैं, इसको खोल के ऐसे भी घिस सकते हैं, ऐसे भी घिस सकता है, ऐसे भी घिस सकता है। तो ये वाला हो गया प्लेन, ये वाला आप हेड में लगा सकते हैं, और आपका चीक में लगा सकते हैं, और गर्दन के पीछे लगा सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो मसाजर है ये काफ़ी अच्छा है। तो इससे पहले मैंने काफ़ी सारा मसाजर का वीडियो बनाया है, आप अगर नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, जो लॉन्ग हैंडल वाला, एक गन वाला और एक शॉर्ट हैंडल वाला। कुछ दिन पहले और एक शॉर्ट हैंडल वाला किया था, और ये अभी एक शॉर्ट हैंडल वाला। तो जो लाइफ लॉन्ग कंपनी का और एक मॉडल है LLM 423, उसका स्पीड मुझे इससे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ऐसे उसका जो हैंडल है वो थोड़ा सा छोटा है, इसका हैंडल काफ़ी थोड़ा इतना सा ज़्यादा दे दिया, वहाँ का हैंडल ऐसे करके पकड़ना पड़ता था मुझे। ये वाला हैंडल काफ़ी अच्छा है, देखने में भी स्टाइलिश है। तो ये जो मसाजर है ये आप रख सकते हैं, और इसको आप कैरी भी कर सकते हैं, किसी भी बैग में आप कैरी कर सकते हैं, छोटा सा है। तो इस मसाजर को अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बाकी सारा जो मसाजर है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।